विक्रम सिंघे को संसद में वोट हासिल करने के एक दिन बाद श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश ने पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे बन गए। देश में गंभीर आर्थिक उथल पुथल के बीच पिछले हफ्ते राष्ट्रपति पद से गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद बुधवार के वोट के दौरान रानिल विक्रम सिंघे को 134 वोट मिले। गुप्त मतदान से संसद का वोट जीतने के बाद विक्रम सिंघे ने संसद को संबोधित किया, जिसमें विपक्षी सांसदों सहित सभी विधायकों को एकजुट होने और श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। 225 सांसदों में से 223 ने नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट किया। अन्य दो उम्मीदवारों की दौड़ में श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी के सांसद दुलस अल्हापुरुम्बा और नेशनल पीपल्स पावर के नेता अनुरा कुमारा दिशा नायके को क्रमशः 82 वोट और 3 वोट मिले। बता दें, इससे पहले विक्रम सिंघे को श्रीलंका के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था, जब गोटाबाया राजपक्षे के विदेश भाग जाने के बाद उनके महल पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी।